राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं के आज हम विषय हिंदी अनिवार्य हिंदी का पेपर लेंगे, जो आपके कई जिलों में आयोजित हो चुकी है हिंदी अनिवार्य की और बाकी जिलों में आयोजित होना बाकी है। तो 11वीं कक्षा के हिंदी अनिवार्य का पेपर भी आपके जिले में भी कुछ इसी प्रकार से ये पेपर देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताते जाएंगे, पूरा विथ सॉल्यूशन बताते जाएंगे कि आपके जिले का पेपर किस प्रकार से आएगा, वो भी आपको हम बता देंगे। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, इस पेपर को जरूर देखें। हम आपको आंसर भी बताते जाएंगे, सॉल्यूशन भी करवाते जाएंगे, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, आप सारे प्रश्न इस पेपर में इंपॉर्टेंट दिए गए और आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे 100%। चलिए स्टार्ट करते आज की इस वीडियो का। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 में आयोजित हुई है परीक्षा, कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य हिंदी का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी अनिवार्य का पेपर 70 में से होगा और 3 घंटा और 15 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। परीक्षार्थी के लिए जो सामान्य निर्देश है वो आपको पढ़ लेने, हम सीधा पेपर की ओर देखते हैं। कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य पेपर में खंड क खंड अ में आपको पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सब पेपर में आता है कि एक अपठित गद्यांश दिया है, उसके नीचे 3 से 4-5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, प्रश्नों का उत्तर आपको उसी गद्यांश से मिलना है। हिंदी में गद्यांश बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे ईर्ष्या का ये अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में बना लेती है वह अपने अभावों से दुखी नहीं होता बल्कि न वस्तुओं से दुख उठाता है। जो दूसरों के पास है वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्षों के सभी भावों के अपने हृदय दंश मारते रहते हैं। देश के दाह भोगने कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इष्टयालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना ही उसमें बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोस्त जिसमें इष्टयालु व्यक्ति का चरित्र और भयंकर हो उठता है, अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के उद्वमन करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुँचा में कोई अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो ये आपको गद्यांश ध्यान से दो बार पढ़ लेना अच्छे से समझ के, फिर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है। यहाँ पे पहला, ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। ऑप्शन दिया है, अपने अभावों को देखकर, दूसरों की निंदा करके, दूसरों की वस्तुओं को देखकर या अपनी वस्तुओं को देखकर। तो जिसमें इस पैसेज में जैसे पढ़ा है हमने, तो इसका आंसर दूसरों की वस्तुओं को देखकर है, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति इसकी आदत को दुख उठाता है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी तुलना दूसरों के साथ कौन करता है। ईर्ष्यालु मनुष्य करते हैं, ईर्ष्यालु मनुष्य है जो अपनी तुलना है वो दूसरों के साथ करना चाहते हैं या फिर करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति। नेक्स्ट है, ईर्ष्यालु अपने पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी लालचा और अधिक पाने की होती है, उसके पास वस्तु का अभाव होता है, वह दिन रात परिश्रम करता है, वह चिंता मग्न बना रहता है। तो देखिए पैसेज में दिया गया स्पष्ट तौर से कि उसकी लालचा और अधिक पाने के लिए होती है, इसीलिए वो ईर्ष्यालु अपने पास की वस्तु को आनंद नहीं ले पाता और भी उसे चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अपने अभाव के बारे में निरंतर सोचने में ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंदित होता है, उद्वमन प्रारंभ करता है, दुख को भूल जाता है या दूसरों के विनाश में लग जाता है। बिल्कुल ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वो दूसरों का विनाश करना चाहता है, दूसरों के विनाश में लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह किसकी प्रक्रिया को भूलना विनाश में लग जाता है, किसकी प्रक्रिया, उन्नति की, सृष्टि अभाव शेस्त्र उन्नति की प्रक्रिया में वो प्रक्रिया को भूलना विनाश में लग जाता है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईर्ष्यालु शब्द में प्रत्यय कौन सा, प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो ईर्ष्यालु शब्द में आलू प्रत्यय आ जाएगा, ईर्ष्यालु जो शब्द है उसमें प्रत्यय होगा आलू। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक देना है, तो गद्यांश को जैसे पढ़ेंगे उसका शीर्षक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर बताने, वो गद्यांश था और ये पद्यांश है। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से, अंबर बने सूखो चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी में सोना उपजाओ इस मिट्टी में सोना, ये मिट्टी जगत की जननी करो प्रणाम इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम, हाल उठा हाथ से हल को ब्रिम के बोना, चना मटर जो धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी में सोना बन जाती भर भर देती थाली, दूध दही पी मुस्कराए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर का तुम्हें पुकारे खुशियाली,
खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। तो बिल्कुल ये आपको एक पद्यांश पूछा गया है। इसके आप जो प्रश्न पूछे गए, पहला जैसे अंबर किसकी सादर बने, अंबर है वो सुखों की सादर बने। नेक्स्ट है ये मिट्टी किसकी जननी है, ये मिट्टी है वो जगत की जननी है, पशुओं मनुष्य और देवताओं की नहीं है, इसमें बताया गया है। कवि किसके बीज बोना चाहता है, कवि है वो प्रेम के बीज बोना चाहता है, यहाँ पर देख सकते बीज पेवे के बीज बोना चाहता है, इस तरीके से प्रेम, यहाँ पर प्रिंट गलत हुई है, प्रेम के बीज बोना चाहता है। कवि किस प्रकार के साधक बनने के लिए आह्वान कर रहा है, किस प्रकार के साधन बनने के लिए, कर्म योग, यहाँ पर देखिए कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराए, तो दूध दही पीकर श्याम सलोना। अंबर का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, अंबर अंबर का शाब्दिक अर्थ आपके आकाश होगा, इस तरीके से शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है इसका शीर्षक बताना है, शीर्षक आप बता सकते हैं अच्छे से, जैसे ग्रंथ को पढ़ा शीर्षक भी आपके सामने आ जाएगा। आपको नेक्स्ट तीसरा प्रश्न पूछा है, खंड ब में आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, आपके पाठ्य पुस्तक के जो पद्य भाग है, पद्य भाग से ये आया है, पद्यांश आया है, हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तिनकी को जग जीना, नहीं पहचाना। तो ये आपको एक सप्रसंग व्याख्या करनी है, तीन नंबर के पहले तो पहचान करनी है कि ये पद है वो कहाँ से आया है, ये पद्यांश है ये कहाँ से आया है, इसका कवि कौन है और इसका पाठ इस पद्यांश का नाम क्या है, वो पता करके आप अच्छे से इसका संदर्भ प्रसंग लिख के व्याख्या कर सकते हैं अच्छे से। इसके अथवा में भी है तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों में से एक करना आपको सहायता भी मिलेगी। फिर आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, चार नंबर प्रश्न है गद्यांश में आ गया आपके, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है तो बिल्कुल इसकी भी आप इजीली से कर सकते हैं। इसमें आपको पता गद्यांश की पहचान करनी है कि गद्यांश कौन से पाठ से आया है, कौन से अध्याय से आया है और इसका लेखक कौन है और लेख पाठ का नाम क्या है, पता करते ही आप इसकी अच्छे से अपनी भाषा में इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, अथवा में पूछा गया तो दोनों में से किसी की भी एक पहचान करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पांचवा प्रश्न पूछा है कि प्रश्नों की रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला पूछा है गलता लोहा द्वारा रचित कहानी है, गलता लोहा है वो किसके द्वारा रचित कहानी है, खाली जगह में भरना है शेखर जोशी या मनु भंडारी, तो इस खाली जगह में आपके ये आ जाएगा शेखर जोशी है वो गलता लोहा द्वारा रचित कहानी है, शेखर जोशी इस खाली जगह में भरना है। नेक्स्ट है मियाँ नसीरुद्दीन सब चित्र खाली जगह नामक संग्रह से लिया गया है, कौन से ये संग्रह से लिया गया है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हम हसमद या फिर शब्दों के आलोक में या हम हसमद से लिया गया है, तो आपको पता करना है कि मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चरित्र है नामक संग्रह किससे लिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी इस खाली जगह में हम असमत आ जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है हम असमत, क्योंकि हम असमत संग्रह है वहीं से लिया गया है ये। नेक्स्ट है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम खाली जगह तक चला था, कितने साल तक चला था, डेढ़ साल या ढाई साल या डेढ़ साल, तो आपको बताना है, तो इसका आंसर आपके ढाई साल तक ये फिल्म की शूटिंग चली थी, ढाई साल इस खाली जगह में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि मीरा के गुरु का नाम क्या था, मीरा के गुरु का नाम रैदास या रामानंद था, तो मीरा कि गुरु का नाम रैदास था, यहाँ पे आपको रैदास भर देना है। नेक्स्ट है कि वे आंखें पतंजी के खालिज का दौर के कविता हैं, वे आंखें पतंजी के खालिज का दौर के कविता है, प्रगतिशील या पूंजीवादी, तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है कि एक कंठ विष पाई गीति नाटक खालिज का द्वारा रचित है, ये किसके द्वारा है, तो ये आपके दुष्यंत कुमार या सुमित्रानंद पंत, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा दुष्यंत कुमार द्वारा ये रचित है, एक कंठ विष पाई गीति नाटक के, इस खाली जगह में दुष्यंत कुमार आ जाएगा। नेक्स्ट आपको छः नंबर प्रश्नों में पूछा है, छः नंबर एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। पहला है अपू के ढाई साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया, तो ऊपर ही आपको दिया गया कौन सी फिल्म की घटनाओं का वर्णन है, तो पथेर पांचाली फिल्म की घटनाओं की शूटिंग के कारण उनका वर्णन किया गया है। बंग विभाजन की योजना है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि स्पति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था, आपको बताना है। सुमित्रानंद पंत ने वे आंखें में संदेश वाक किसे बनाया, सुमित्रानंद पंत ने वे आंखें जो कविता है उसमें संदेश वाक है वो किसको बनाया है, तो प्रश्न आपको बताने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद ये नेक्स्ट आपको बोला है कि पथिक कविता किस काव्य संग्रह काव्य संकलित है, पथिक कविता किस काव्य से संकलित है, तो इसका आंसर आपको बताना बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, मीरा की भक्ति है वो किस प्रकार मानी जाती है, किताब के अनुसार आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है कि धनराज को धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों,
धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? दो नंबर का ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना किताब से। नेक्स्ट है कि नमक का दरोगा कहानी का मूल प्रतिपादन, अपने शब्दों में आपको लिखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नमक का दरोगा जो कहानी है उसका मूल प्रतिपादन अपने शब्दों में लिखना कि क्या है उसका मूल रूप प्रतिपादन। नेक्स्ट है कि कृष्णा सोबती अथवा सुमित्रानंद पंत से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। कृष्णा सोबती या फिर सुमित्रानंद पंत, दोनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। दो नंबर का ये आपको प्रश्न पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंद पंत और कृष्णा सोबती। दसवां है कि मियां नसीरुद्दीन के चरित्र की आपको विशेषताओं को स्पष्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसके अथवा में भी पूछा गया है कि संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना में लिखना आपको। फिर प्रश्न खंड स में पूछा गया है, निम्न प्रश्नों को उत्तर एक पंक्ति में आपको देना। लय कितने प्रकार की होती है, लय के बारे में आपको बताना, लय कितने प्रकार की होती है। हिंदी में अगर देखें तो लय तीन प्रकार की मानी जाती है, विलंबित, मध्य और द्रुत। ये लय होती है, तीन लय होती है, विलंबित, मध्य और द्रुत, ये हो गई। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो रेन गोग। किसका प्रयोग किया जाता है, रेन गोग का प्रयोग किया जाता है, मौसमी वैज्ञानिक है वो रेन गोग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि लेखिका बेबी हालदार को अपनी माँ की याद क्यों आई। किताब के अनुसार आपको इसका आंसर बताना, लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी, लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी ये, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। बारवा है, किराए के मकान में रहते हुए बेबी हालदार चिंतित क्यों थी, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, ये आपकी सेकंड बुक विताल है वहाँ से प्रश्न आए ये सब, कि राजस्थान में कुई किसे कहते, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है, आपको अंतर इक्वल बताना है। नेक्स्ट है कि चित्र पर संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखनी है, अथवा में मुझे राजस्थान में मिलने वाली पानी के तीन रूपों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। फिर आपको खंड द पूछा गया, खंड द में आपको पूछा है 15वां के विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में एक प्रतिवेदन तैयार करना। बिल्कुल राइट है कि विद्यालय में आपको एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, उस पर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है, आपको पूरा डे लिखना है, मतलब क्या क्या उसमें हुआ वो सब आपको लिखना है, प्रतिवेदन का मतलब पूरे दिन में आपने क्या क्या किया वो आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट है कि टीवी के बढ़ते प्रभाव एवं इसमें फैलती अपसंस्कृति पर एक फीचर तैयार करना, फीचर देना, फीचर भी आपको आना जरूरी है। 17 नंबर प्रश्न पूछा है कि जिलाधीश जालोर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखिए जिसमें गायों में फैली लंपी बीमारी से राहत दिलवाने के लिए राजधानी के विशेष चिकित्सकों का एक दल भेजने के लिए निवेदन किया, तो एक पत्र लिखना आपको राजस्थान, देखिए जिला अधीक्षक जालोर की ओर से स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र लिखना, राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र आपको भेज रहा है जिसमें गायों में लंबी बीमारी को राहत दिलवाने के लिए राजधानी से जो भी चिकित्सक है उनको का दल भेजने के लिए निवेदन किया गया हो, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विषय में एक विषय पर निबंध निकला है, शब्द सीमा 300 शब्द है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, फिर युग में इंटरनेट की भूमिका, तो चारों इम्पोर्टेंट, चारों में से आपके आ सकते हैं, आपके बहुत सारे पेपर होंगे तो किसी भी जिले में ये चारों इम्पोर्टेंट है, चारों में से बहुत एक ना एक आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, बेटी बचाओ कोरोना वायरस या स्वास्थ्य स्वच्छ भारत हो गया, विद्यार्थी युग में इंटरनेट की भूमिका, तो ये पेपर आपके सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सारे, ये वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो आपके सभी जिलों के पेपर होगा उसमें सभी में आपको ऐसे पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये कक्षा 11वीं के अनिवार्य हिंदी का इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र था। आपको पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, अगर और भी ऐसे पेपर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और कमेंट करके बताएं, तो हम आपके लिए और भी पेपर लेकर आते रहेंगे। इस पेपर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे सारे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।